मनोज कॉम्पिटेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, आज का वीडियो जो है संबंधित है संस्था एवं संस्थापक से, जिसमें हम सभी समाज को एक साथ किए हैं। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को गलत होता है, तो देखिए सब एक जगह हम लिख दिए हैं और इसको आपको याद कर लेना है हर हालत में, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए पहले हम संस्थापक लिखेंगे, उसके बाद जो है ये समाज का स्थापना वो कब किए, ठीक है। तो पहला जो है आपका वेद समाज है, तो वेद समाज है तो इसका जो है संस्थापक जो थे आचार्य केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन, ठीक है। इसके बाद जो है देव समाज, इसका जो है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव नारायण अग्निहोत्री। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। अब देखिए आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अब देखिए सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिबा फुले। अब देखिए ये सभी का स्थापना वर्ष लिखते हैं, कब कब जो है इसका स्थापना हुआ वो ध्यान देंगे, ठीक है। पहला जो है आपका वेद समाज, इसका स्थापना हुआ 1867 में। इसके बाद है देव समाज, जिसका स्थापना हुआ 1887 में। इसके बाद प्रार्थना समाज, इसका भी स्थापना हुआ 1867 में। इसके बाद ब्रह्म समाज, इसका स्थापना हुआ 1828 में। इसके बाद आर्य समाज, इसका स्थापना हुआ 1875 में। और एक लास्ट है सत्य शोधक समाज, इसका स्थापना हुआ 1873 में, ठीक है। ये सभी डेट और सभी संस्थापक याद रखना है, ध्यान दीजिए। कोशिश करते हैं कि ये सभी को संस्थापक कम से कम याद करा दे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, वेद समाज इसका स्थापना किए थे, संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, स्थापना हुआ था 1867 में। देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में। फिर ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय और 1828 में। आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875 में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले और 1873 में। अब ध्यान देना है, याद कैसे रखना है। देखिए वेद समाज और देव समाज, ठीक है, ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। अब ये कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं, ध्यान से बने रहिएगा। देखिए वेद समाज है और देव समाज है। अब देखिए देवों के देव कौन है, महादेव भगवान शिव है ना, तो शिव यहां याद रखना है। देवों के देव कौन, तो शिव भगवान है ना, तो देवों के देव महादेव कौन, तो शिव, तो शिव नारायण अग्निहोत्री। और वेद समाज का कौन, तो केशव चंद्र सेन, तो वेद पढ़ता है केशव पंडित जी, और देव कौन है, तो शिव भगवान है, ठीक है। अब देखिए प्रार्थना आपको करना है तो आत्मा से कीजिए, आत्मा से, ये नहीं कि प्रार्थना कर रहे हैं अच्छा पलवा पर ध्यान, चपलवा कोई लेकर ना चल गए, कहा चपलवा कोई लेके तो घसक गया का है ना, तो वैसा नहीं, प्रार्थना जो करना है आत्मा से करना है, आत्मा से, ठीक है। ब्रह्म समाज, ब्रह्म यानी कि ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। ये राजा थे कौन, राम, राजा थे राम, क्यों, क्योंकि ये जो है सभी ब्राह्मणों का ये अनुकरणीय जो बात था, कार्य था, उस पे चलते थे भगवान श्री राम, इसलिए ब्राह्मण लोग से जो है ब्रह्मा समाज से संबंधित है, ब्रह्म समाज से संबंधित है राजा राम मोहन राय, ठीक है।
अब ध्यान देंगे आर्य समाज, आर्य समाज की जो है दयानंद सरस्वती, आर्य समाज जिसे ना कहता है आ रहा है हमारे समाज, तकेकर समाज, सरस्वती माँ के समाज समाज है ना, हम सभी भक्त हैं किनका, सरस्वती माँ के, जो भी जिनका भी जिसके पास भी मनुष्य है ज्ञान थोड़ा सा भी है माँ सरस्वती का देव है ना, तो आर्य 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 है, आ रही है कुछ ही सरस्वती पूजा है ना, सरस्वती माँ आ रही है ना, दया देंगे सरस्वती माँ है ना, तो आ रही है दया देंगी सरस्वती माँ, ठीक है। सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक यानी सही में अगर शोधन करना है तो ज्योतिबा फूले है ना, ज्योति किसी लड़की को नाम है, एक ज्योतिबा फूले का एक और संस्था था उसका नाम था बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय है ना, ध्यान दीजिएगा बालिका विद्यालय, तो इसको याद कैसे रखिएगा, सत्य शोधक, अगर सत्य रूप से शोधक करना है समाज में तो बालिका लोग को पढ़ाना पड़ेगा है ना, विद्यालय में भेजना पड़ेगा है, तो इतना तो हुआ, तो ऐसा काम तो हुआ, तो मान लीजिए कोई ज्योति थी तो उसको बोल दी कि अब तुमको पढ़ना है, काम धाम कम करना है पढ़ना ज्यादा है ना, तो फूल के बारह नियर हो गई, हमारा तो पढ़े कर ले है ना, तो सत्य शोधक, अगर सत्य में शोधन करना है समाज में तो बालिका लोग के है ना ज्योति जलाइए, आगे बढ़ेगा फले फूलेगा है ना, तो ज्योतिबा फूले है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जो लिखा हुआ है संस्थापक ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वेद अगर बोलेगा तो क्या होगा, देव बोलेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि राजा राम मोहन राय जो थे इनको राजा का उपाधि किसने दिया था, राजा का उपाधि जो था वो किसने दिया था, ये कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो आज भर इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।